हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हियर इज खुशबू सोनी। तो आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, अशुद्धि शोधन। यानी हम कई बार क्या होता है, हम हिंदी में शब्द का उच्चारण ही गलत करते हैं और गलत उच्चारण के साथ साथ हम उसे गलत लिखते भी हैं। तो आज हम वह जो कुछ बारीक बारीक अशुद्धियां करते हैं, आज हम उन सभी शब्दों का सही उच्चारण भी सीखेंगे, क्योंकि यदि हम उन शब्दों को सही बोलेंगे तभी हम उनको सही लिख पाएंगे। क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है, जैसा आप बोलेंगे वैसा आप लिखेंगे। अगर आप किसी शब्द का उच्चारण एकदम सही तरीके से करेंगे तो आप उसे एकदम सही ढंग से लिखने में सफल होंगे। तो आज हम अशुद्धि शोधन का भाग एक देख रहे हैं। तो बच्चों, भाषा का प्रयोग करते समय व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में हम कुछ अशुद्धियां कर देते हैं। यदि हम शब्द या वाक्य का उच्चारण गलत करेंगे तो उसे लिखेंगे भी गलत, क्योंकि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। क्या कहना चाह रहा है कि कई बार हमें पूरी तरह से हिंदी व्याकरण का ज्ञान नहीं होता और उस हिंदी व्याकरण के ज्ञान के अभाव के कारण हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और हम बहुत सारी अशुद्धियां करते हैं बोलने में भी और लिखने में भी। क्योंकि जब हम गलत उच्चारण करते हैं तो हम लिखेंगे भी गलत, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जैसा हम बोलेंगे वैसा हम लिखेंगे। तो शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना भाषा का नियम है। तो कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, हर भाषा को लिखने और बोलने के कुछ नियम होते हैं। तो अगर आप उन नियमों को ठीक से पालन करेंगे तो आप उन्हें ठीक से बोलेंगे भी और ठीक से लिखेंगे भी। और किसी भी भाषा का एक ही नियम होता है कि आपको उसे शुद्ध तरीके से बोलना आना चाहिए, और अगर जब आप उसे शुद्ध तरीके से बोलना सीख जाएंगे तो आप उसे शुद्ध तरीके से लिखना भी सीख जाएंगे। सामान्य रूप से भाषा में दो प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। देखिए, कोई भी भाषा हो, अब वो दो प्रकार की अशुद्धियां कौन कौन सी होगी, या तो वो शब्दों की अशुद्धियां होगी या फिर वाक्यों की अशुद्धियां होगी। कैसे, जैसे कोई शब्द है जैसे गणेश, तो आप बोलते गणेश है लेकिन होता गणेश है, ठीक है, तो आप गणेश कर दिए, गणेश नहीं होता वो गणेश होता है, गणेश आपने क्या कर दिया, गणेश नहीं होता वो गणेश होता है। तो आपका उच्चारण बहुत सही होना चाहिए, अगर आप गणेश करेंगे तो आप गणेश लिखेंगे, पर होता है गणेश है, तो वो न से न वाला आता है, न से नल वाला नहीं आता। तो ये तो कुछ शब्दों की अशुद्धियां हो गई। अब वाक्यों की अशुद्धियां होती है, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझाती हूँ। जैसे आपने बोला बाजार खुल गई होगी, तो बाजार खुल गई होगी सही नहीं है, बाजार खुल गया होगा, क्योंकि बाजार आपका पुल्लिंग शब्द है और इसके साथ आप स्त्रीलिंग यूज नहीं ले सकते, तो बाजार खुल गया होगा। तो आप जब इस तरह से पूरा वाक्य ही अशुद्ध कर देते हैं, जैसे बाजार खुल गई होगी, तो ये तो अशुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध कैसे लिखाएगा, बाजार खुल गया होगा। तो इस प्रकार आपके दो प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है, एक तो शब्दों की अशुद्धियां और वाक्यों की अशुद्धियां। तो आज हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिसे जनरली हम लोग बहुत गलत बोलते हैं, गलत उच्चारण के कारण हम उन्हें गलत ही लिखते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दों की अशुद्धियां देखेंगे, फिर हम वाक्यों की अशुद्धियां देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शब्दों की अशुद्धियों से, शब्दों की अशुद्धियां। शब्द के गलत उच्चारण से शब्दों की अशुद्धियां हो जाती हैं, इन्हें वर्तनी या शब्दों की अशुद्धियां कहते हैं। देखिए, वर्तनी क्या होता है या शब्दों की अशुद्धियां क्या होता है, जब आप शब्द का उच्चारण गलत करते हैं, मतलब आप उसका प्रोनंसिएशन ही गलत कर रहे हैं, तो उससे शब्दों की अशुद्धियां हो जाती है। जब आप उसे बोलेंगे गलत तो लिखेंगे भी गलत। जैसे मैंने अभी आपको बताया गणेश, गणेश नहीं होता वो गणेश होता है, गणेश करते हो ना आप, तो गणेश वो गणेश नहीं होता वो गणेश होता है। तो इसी तरह से आप जो अधीन कहते हो वो अधीन नहीं अधीन होता है। तो आज हम कुछ अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप देखेंगे, इसकी आपको प्रैक्टिस करके आपको भी अच्छे से बोलना भी है, इनका उच्चारण भी सही करना है और इन्हें सही से लिखना भी सीखना है। तो ये इधर जो लाइन में सारे अशुद्ध शब्द हैं और ये आपके सारे शुद्ध शब्द हैं। तो अधीन नहीं अधीन होता है, क्या होता है अधीन, गणेश नहीं गणेश होता है, किरण नहीं किरण, किरण नहीं होता किरण होता है किरण, पड़ोसी नहीं होता पड़ोसी होता है, इसमें ओ की मात्रा नहीं, ओ की मात्रा आती औरत की मात्रा नहीं आती, ओखली की मात्रा आती है, प्रणाम नहीं होता प्रणाम होता है, प्रणाम प्रणाम नहीं होता प्रणाम होता है, नम सते नहीं होता नमस्ते होता है, आधा स आता है,
परमात्मा नहीं होता, परमात्मा होता है। आप लोग परमात्मा मत बोलना, इट्स परमात्मा। यहाँ पे बीमारी, बीमारी तो इसमें छोटी एक ही मात्रा नहीं आता, बीमारी नहीं होता, बीमारी होता है बीमारी। कृपा तो कृपा, आप जो ये कृपा कृपा करते हैं ना, कृपा नहीं होता, ये कृपा होता है। क्या होता है? कृपा। आप जो ये देश देश करते हैं ना, देश, ये देश नहीं देश होता है, देश। ये स से सपेरा वाला और ये श से शक्कर वाला, तो देश नहीं होता, देश होता है। अतिथि तो अतिथि, अतिथि तो दोनों में बड़ी मात्रा नहीं आती, अ त में छोटी की मात्रा और थ में भी छोटी की मात्रा, तो क्योंकि अतिथि, अतिथि नहीं होता, अतिथि होता है। तो ये राष्ट्र, राष्ट्र जैसे आप बोलते हैं ना, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, तो राष्ट्र नहीं, राष्ट्र होता है, राष्ट्र। तो ये र जो है ये बाद में नहीं बल्कि ऐसे लगता है। ये देखिए, आहार नहीं होता, आहार होता है। क्या होता है? आहार। उसी तरह से नाराज नहीं होता, नाराज नहीं, नाराज होता है। क्या होता है? नाराज। उसी तरह से आपके गुरु में ये बड़े ऊ की मात्रा नहीं, ये छोटे ऊ की। देखिए एक इस तरह से ऐसे लग रही और एक आपकी सीधे, तो ये आपके छोटे ऊ की मात्रा और ये आपके बड़े ऊ की मात्रा है। तो ये आपका गुरु इस प्रकार नहीं, गुरु इस तरह से लिखते हैं। उसी तरह से जो चालाक होता है, चलाने वाला, उसे चालाक नहीं बोलते, चालाक होता है वो। क्या होता है? चालाक। ये चालाक वो भी होता है जो बहुत ज्यादा होशियार होता है ना, उसे भी आप चालाक बोल सकते हो। तो चालाक नहीं होता, चालाक होता है। उसी तरह से मच्छली नहीं होता, मच्छली 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 नहीं होता, मछली होता है, मछली। उसी तरह से प्राप्ति में इस तरह से प्राप्ति नहीं लिखा जाता, ती में छोटी की मात्रा आती है, प्राप्ति। उसी तरह से दीवार, तो दीवार में बड़ी की मात्रा आती है, दीवार नहीं होता, दीवार होता है। उसी तरह से ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। प्राचीन नहीं होता, प्राचीन यानी पुराना, प्राचीन नहीं होता, प्राचीन होता है। धर्म नहीं होता, धर्म, धर्म होता है, धर्म, धर्म नहीं पढ़ते इसे, धर्म। उसी तरह से लक्षण नहीं होते, लक्षण, बच्चे कहते हैं लक्षण, लक्षण नहीं, वो लक्षण होते हैं, लक्षण। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से हम शब्दों की अशुद्धियां करते हैं और उन्हें किस तरह से हमें शुद्ध रूप में उन्हें लिखना है। और देखिए, प्रभु नहीं होता, प्रभु नहीं, प्रभु होता है, प्रभु। उसी तरह से उन्नति नहीं होता, उन्नति होता है। ये बड़ी एक ही मात्रा नहीं, छोटी एक ही मात्रा आती है। उसी तरह से अध्ययन नहीं होता, अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है, अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है। ये ध पूरा नहीं, ध आधा आता है, अध्ययन होता है, अध्यय, अध्ययन नहीं होता है। उसी तरह से चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं, चिन्ह। उसी तरह से परिचय नहीं, परिचय, छोटी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा नहीं आती। उसी तरह से आप जो त्योहार में दो मात्रा लगाते हैं ना, औरत वाली वो नहीं आती, ओखली वाली आती, त्योहार, त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है। उसी तरह से प्रेम नहीं होता, प्रेम बोलते ना, प्रेम नहीं, वो प्रेम, प्यार। उसी तरह से प्यार नहीं होता, आप ऐसे मत लिख देना प्यार, प्यार नहीं बल्कि आधा प य में आकी मात्रा और रा आता है, तो प्यार नहीं, प्यार होता है, प्रेम नहीं, प्रेम होता है। किताब नहीं होता, किताब होता है, इसमें छोटी एक ही मात्रा आती। झूठ नहीं होता, झूठ, झूठ नहीं, झूठ, ठ से ठटेरा और ट से टमाटर में बहुत फर्क है, तो झूठ नहीं होता, झूठ होता है। और परीक्षा नहीं होती, परीक्षा, परीक्षा होती है। उसी तरह से कर्म नहीं होता, कर्म होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम कई बार ये प्रभु का प्रभु कर देते हैं, प्रेम का परम कर देते हैं, चिन्ह का चिहन कर देते हैं और त्योहार का त्योहार कर देते हैं। तो ये इस तरह से हम जो अशुद्धियां करते हैं हमें नहीं करना है। और ये सभी अशुद्धियों को आपको शुद्ध तरीके से उच्चारण भी आना चाहिए, और जब आप शुद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे तो आप उन्हें लिखना भी सीखेंगे। तो ये सभी शब्द आपको कॉपी में करने हैं और इन्हें ठीक से उतारना है, ठीक से इनका उच्चारण भी आना चाहिए और आपको लिखना भी आना चाहिए। मात्रा की गलती भी नहीं होनी चाहिए और शुद्ध आप बोलेंगे तो तभी आप शुद्ध लिखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये भाग वन खत्म होता है शब्द अशुद्धि शोधन का। नेक्स्ट पार्ट में हम वाक्यों की अशुद्धियों को सही करेंगे। इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। धन्यवाद।